हाय दोस्तों, तो आज रात नगर पार्कर में अच्छी बारिश हुई है और आज आपको मैं एक नई पॉइंट दिखाऊंगा। अगर जो नहीं गए उनके लिए वो नई पॉइंट भी है। तो सारदड़ों से आगे गऊमुख है, वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ के मनाज़र आपको दिखाते हैं। चलें वहाँ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिलीप परमार, कारुंडर फोटोग्राफी पेजेंटमेंट, और आज मैं मौजूद हूं गऊमुख जाने वाले रास्ते से जो सारदड़ों से आगे जाता है। तो चलें आपको और अच्छे अच्छे मनाज़र दिखाते हैं और आप देखें, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप ईद के बाद आएँ और विज़िट करें ये खूबसूरत कारुंडर, हरा भरा कारुंडर और आबशारों से भरा कारुंडर। दोस्तों ये सारदड़ों से गऊमुख जाने वाला रास्ता है और बीच में ये आबशार, बहुत खूबसूरत आबशार आपको देखने को मिलेंगे। और गऊमुख थोड़ा आगे, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं और यहाँ पर रास्ता जो बहुत ही ख़तरनाक है, थोड़ा स्लिपरी भी है, तो आप जो है थोड़ा ख्याल करें कि यहाँ पर ऐसी चप्पल या ऐसे शूज़ पहन के आएँ जो आप स्लिप ना हो। तो ये रास्ता थोड़ा बहुत ख़तरनाक भी है, थोड़ा एहतियातन आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो मैं भी ऊपर चलता हूँ, तो चलें आपको और अच्छे अच्छे मनाज़र दिखाते हैं। लेट्स गो। Maru mila
से और बहुत खूबसूरत यहाँ पे आबशार हैं और स्विमिंग पूल जैसा एक बना हुआ है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत आबशार हैं और वहाँ पे नहा सकते हैं आप। तो ये जगह है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसी बनी हुई है, इसमें जो पानी है इसका कोई अंदाजा नहीं कि बहुत गहरा पानी है, इसका भी थोड़ा ख्याल करें कि इसमें आप अगर अनजान हैं आप तो इसमें नहाने से क्लियर करें। आगे चलते हैं, आपको बहुत ख्याल रखना। दोस्तों आप वो देख रहे हैं आबशार और वहाँ पे जो है खूबसूरत स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है जहाँ से पानी गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत मज़ा आता है वहाँ पे नहाने पर, मैं तैर नहीं सकता। और अब मैं जो ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर से आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक ही यहाँ पे रास्ता है जो हर कोई बंदा नहीं ढूंढ सकता और हर कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो मैं जिस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ वो आप देखें, उसी रास्ते से अगर आप ऊपर चढ़ें तो उसी रास्ते से चढ़ें, नीचे से ना जाएं क्योंकि नीचे से बहुत स्लिपरी है और अगर यहाँ से पाँव आपका फिसला स्लिप हुआ गया बंदा चलें चलते हैं। ये देखिए कितना स्लिपरी रास्ता है, बंदा ऐसे नहीं चढ़ सकता, बैठ बैठ के आराम आराम से ये चढ़ रहा है। यहाँ से अगर इसका पैर फिसला तो ये सीधा नीचे जाएगा। हाँ कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देखे इसकी फीलिंग, देखे दिल की धड़कने, देखे ओहो बहुत तेज है। आप देख रहे हैं झाड़ियाँ कितनी है और रास्ता भी बहुत मुश्किल है, अगर आएँ तो अपने रिस्क पर आएँ क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं बार बार आपको ये तनकीद कर रहा हूँ कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है और जो है आप ऐसे शूज़ या चप्पल पहन के आएँ जो स्लिपरी ना हो। तो मैं जाता हूँ आगे और वहाँ से आपको बना कर दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी गुफाएं और उन पे ये खूबसूरत बेलें हरी भरी बहुत अच्छा लुक देती हैं यहाँ पे, और वाटरफॉल भी अगर यहाँ पे आपको मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाता है। फ्रेश वाटर से नहाने का और फ्रेश वाटर पीने का मज़ा ही अपना है। अरे रे करनी है हूँ तो ढोली डो डलावा।
जाता हूँ दोस्तों। ये गौमुख वाटरफॉल है, ये बहुत खूबसूरत है। और गौमुख जो मेन पॉइंट है जिस पे नाम पड़ा है गौमुख का, वो यहाँ से ऊपर है और नीचे रास्ता ही अंदर से जाता है। तो ये यहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा बहुत चल रहा है और मैं तैर नहीं सकता, ये थोड़ा गहरा है पानी यहाँ पे, तो ऊपर मैं नहीं जा सकता, वरना मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर गाय का दूध बहता था किसी ज़माने में, तो इसलिए इसका नाम जो है गौमुख रखा गया था। वो पॉइंट थोड़ी सी यहाँ से ऊपर है और रास्ता जो अंदर से जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ से जाने के लिए, तो मैं वहाँ पे अब नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आएँ, कभी विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। जो तैर सकते हैं वो यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ, वो नहा भी सकते हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा। क्यों दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी और आपको ये खूबसूरत नज़ारे कैसे लगे? आप तो घर बैठे मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँचे तो हम किन किन मुश्किलों से गुजरे वो आपने वीडियो में देखे। आप अभी घर पर वीडियो बैठ के घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, पर रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, तो मज़ीद आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया।